Let's get it started, yeah, you know it's game time. Ain't no excuses tolerated why you can't grind. It's like you know the job, you know that team. Hello everyone, ye hai Bajaj ki nayi Pulsar P150. In case you're wondering, 150 ऑलरेडी मौजूद है, तो इस पी वर्जन को लाने का कारण क्या है, मतलब क्या है? सो कारण बहुत सारे हैं, डिज़ाइन को लेकर, फीचर्स को लेकर और कुछ हद तक परफॉर्मेंस को लेकर भी इस पी वर्जन में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो क्या है वो सारे बदलाव इस नई पल्सर P150 में, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस रिव्यू के अंदर। और रिव्यू के एंड में बात करेंगे तीन धासु और तीन नॉर्थ धासु एलिमेंट्स मुझे क्या लगते हैं इस बजाज पल्सर P150 के बारे में। अब डिजाइन की बात करें तो यहां पर जो नयापन देखने को मिल रहा है, स्पेशली ओवरऑल 150 जो पल्सर है उसके मुकाबले इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पूरी आपको ये P150 अलग देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ओवरऑल जो एसेंस है डिज़ाइन का वो इसमें N160 वाला देखने को मिलने वाला है। फ्रंट हालांकि अलग है यहाँ पे, लेकिन अब इसमें P150 में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं एंड इसमें DRLs भी यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं। अग्रेसिव, स्पोर्टी एंड शार्प एलिमेंट्स इसके डिज़ाइन में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड साइड प्रोफाइल जो ओवरऑल है वो आपको N160 वाला ही झलक थ्रू आउट इसके साइड प्रोफाइल में देखने को मिलने वाला है, टैंक से लेकर इसके रियर पैनल्स यहाँ तक जो जाते हैं। तो ओवरऑल वो लुक कुछ वैसा ही है, लेकिन अग्रेसिव और शार्प काफ़ी ये इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पहले के मुकाबले लग रही है। देन पल्सर की बड़ी सी ब्रांडिंग यहाँ दी गई है एंड यहाँ काउल अलग से देखने को मिल रहा है टैंक पे, एंड देर इज बेली पैन जो यहाँ पे नीचे दिया गया है जो बॉडी कलर के हिसाब से दिया गया है, एंड P150 की ब्रांडिंग यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। सीट्स जो है इसमें स्प्लिट सीट्स आती हैं, इसमें दो वेरिएंट हैं SD और TD, एंड जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है SD उसमें सिंगल सीट है, इसमें जो है जो टॉप वेरिएंट है इसका उसमें TD सीट दी गई है। दोनों वेरिएंट में जो अंतर हैं कुछ मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक तो सीट का हो गया, दूसरा ये जो वर्जन है इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं थोड़ा स्पोर्टी स्टांस के लिए, लेकिन जो SD वर्जन है उसमें जो है सिंगल फ्रेम दिया गया है हैंडल बार का, तो वो थोड़ा अपराइट पोजिशनिंग के साथ उसका स्टांस रखा गया है। एंड उसके अलावा जो ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, इसमें जो है ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिलती हैं एंड दूसरे वेरिएंट में सिंगल डिस्क ब्रेक दी गई है। सिंगल चैनल ABS दोनों ही वेरिएंट में मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं करी गई है। एंड ये कुछ चेंजेस यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बोथ वेरिएंट्स इन दोनों बाइक P150 के दोनों वर्जन्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रियर में भी टेल लाइट जो है LED इस्तेमाल करी गई है, हालांकि इंडिकेटर्स आगे पीछे हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो स्टांस स्पोर्टी अग्रेसिव पहले के मुकाबले, पल्सर 150 के मुकाबले यहाँ पर देखने में ज़रूर लग रहा है। एंड यस, ओवरऑल डिज़ाइन भी पहले से बेहतर ज़रूर इसका देखने में लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक USB चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है। हैंडल बार में लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाई बीम लो बीम पास स्विच, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच, एंड राइट साइड में इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इस P150 में जो एग्जॉस्ट टेल है वो अंडर बेली दिया गया है, बजाय एक्सपोज एग्जॉस्ट टेल जो होता है उसके बजाय यहाँ पर इसकी अंडर बेली में ये एग्जॉस्ट टेल देखने को मिलता है इस P150 में। एंड जो इसका डिस्प्ले है वो भी पल्सर 150 के मुकाबले अलग यहाँ देखने को मिलने वाला है। एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्सचर यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड स्पीडोमीटर इसका एनालॉग दिया गया है, एंड डिजिटल में जो इन्फॉर्मेशन है गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम, टेम्परेचर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके डिजिटल कंसोल में देखने को मिल रहा है। ABS की लाइट एंड इंजन लाइट, बैटरी लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर भी यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो ये कुछ मामला यहाँ पे इस बजाज की नई पल्सर P150 के डिज़ाइन और कुछ फीचर्स में देखने को मिलता है जो पल्सर 150 में देखने को नहीं मिलते हैं। यस, एक और जो एडिशनल चीज़ मैं बताना भूल गया, जो कंपैरिजन दोनों वेरिएंट्स में है, टायर के साइज़ का भी फ़र्क दोनों में देखने को मिलता है। इसमें जो है 17 इंच 90 सेक्शन फ्रंट में दिया गया है, एंड रियर में जो टायर दिया गया है वो है 17 इंच 110 सेक्शन का। जो दूसरा वेरिएंट है उसमें 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है रियर में। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, ओवरऑल फील, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स,
पल्सर 150 के मुकाबले ये काफ़ी नई, बदली हुई और फ्रेश ज़रूर देखने में लगती है। हालांकि बजाज का कहना है कि 150 पल्सर ऑलरेडी बिकती रहेगी और साथ ही साथ इसको भी बेचा जाएगा। मे बी लॉन्ग टर्म में उसको बंद कर दिया जाए, देन इसको ही कंटिन्यू आगे रखा जाए अगर इसकी सेल्स अच्छी देखने को मिलती हैं। अब इसमें जो इंजन दिया गया है 150 सीसी का, कंपेयर टू पल्सर 150, इस P150 में इंजन में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं एंड जो इसका फ्रेम है वो भी बदला हुआ पल्सर 150 के मुकाबले देखने को मिलता है। तो राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस कैसी इस नई बजाज की पल्सर P150 में देखने को मिलती है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उसकी। तो बात करते हैं इस बजाज की नई पल्सर P150 के बारे में, कैसी इसकी राइड क्वालिटी, हैंडलिंग देखने को मिल रही है इन बदलावों के साथ साथ, और ज़्यादातर जो चेंजेस हुए हैं वो N160 वाले ही इसमें देखने को मिल रहे हैं। सो राइड क्वालिटी, हैंडलिंग कैसी है, उससे पहले कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तो इंजन जो इसमें दिया गया है वो है 150 सीसी का और जो पावर जनरेट करता है वो है 15.2 BHP की और टॉर्क जनरेट करता है 13.5 न्यूटन मीटर्स का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी राइड और हैंडलिंग के बारे में। तो जो टॉर्क डिलीवरी है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैं कहूँगा नहीं इसमें देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल एज अ पैकेज 150 सीसी सेगमेंट के हिसाब से जिस तरह की पावर, जिस तरह की टॉर्क डिलीवरी शुरुआत में देखने को मिलती है तो वहाँ पर काफ़ी लोग इसकी पावर डिलीवरी सेटिस्फाई ज़रूर होंगे। और इनिशियल एक्सेलरेशन के बाद इसका पावर डिलीवरी पिकअप और अच्छा होता हुआ दिखाई देता है इस बजाज की पल्सर P150 के अंदर। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में कहूँ इट्स गुड, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आपको इस इंजन से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। फिर आते हैं इसके राइड और हैंडलिंग वाले एस्पेक्ट पर, जो मेरे को इसका बेस्ट पार्ट लगा इस बाइक को एक्सपीरियंस करने के बाद। ओवरऑल जिस तरह की राइड हैंडलिंग है, जिस तरह का सीट पोजिशनिंग है, हैंडल बार में भी दो तरह का ऑप्शन है, थोड़ा आपको स्पोर्टी पोजिशन चाहिए तो वहाँ पर इसका आप TD वर्जन दे सकते हैं। फिर आपको थोड़ा अपराइट स्ट्रेट पोजिशनिंग चाहिए तो वहाँ पर इसका ट्यूबलर हैंडल बार वाला SD वर्जन आप चूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग मेरे हिसाब से काफ़ी सॉर्टेड है, चाहे मैन्यूवरिंग की बात हो, बाइक को तेज रफ्तार में जिस तरह से हैंडल कर रही थी अपने आप को, कहीं भी इस बाइक में स्टेबिलिटी को लेकर मुझे किसी भी तरह की दिक्कत राइड और हैंडलिंग के दौरान इस नई पल्सर P150 में महसूस नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इसका बेहतरीन पार्ट है इस बाइक को राइड करने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, एंड होपफुली आप भी सेम एक्सपीरियंस करेंगे इस राइड और हैंडलिंग वाले पार्ट को जब आप पहली बार इसको एक्सपीरियंस करने जाएंगे। तो कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट सेटिस्फैक्टरी है कुशनिंग के हिसाब से, होगा कुशनिंग सीट्स की अच्छी है, बट रियर सस्पेंशन जो है वहाँ पे थोड़ा सा स्टिफनेस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कभी कभार जब गड्ढे अचानक से आते हैं या कभी कभार बहुत ख़राब सड़क पर आप इसको चला रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अनईजी स्पेशली बिकॉज ऑफ रियर सस्पेंशन आपको महसूस होने वाला है इसकी राइड के दौरान, बट अदरवाइज ओवरऑल सीट कम्फर्ट या सीट की कुशनिंग इसमें अच्छी देखने को मिलती है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो वहाँ पर भी इसमें ड्यूअल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है, जो TD वेरिएंट है उसमें और जो SD वेरिएंट है उसमें सिंगल डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, सिंगल चैनल DBS दोनों में देखने को मिलता है। तो ब्रेकिंग के हिसाब से चाहे तेज रफ्तार में था, धीमी रफ्तार में था, दोनों ही माहौल में इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग कोई दिक्कत मुझे इस पल्सर P150 के साथ देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स मुझे इस बजाज की नई पल्सर P150 के बारे में क्या लगे। तो पहले बात करते हैं नॉट सुधासु एलिमेंट की, क्योंकि एक ही जो एलिमेंट है जो मुझे इसके बारे में सही नहीं लगा वो है इसके सस्पेंशन सेटअप को लेकर, थोड़ा सा स्टिफनेस ज़्यादा है स्पेशली रियर सस्पेंशन में, तो कंफर्ट वहाँ पर काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई देता है। जब बैक टू बैक पॉट होल्स वाली सड़क आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कंफर्ट मुझे देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप। फिर बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स मुझे इसके बारे में क्या लगे। तो पहला धांसू एलिमेंट है वो है इसका ओवरऑल डिज़ाइन, काफ़ी शार्प, फ्रेश, अग्रेसिव स्टाइल इसका ज़रूर देखने में लग रहा है इस पल्सर P150 का। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी राइड और हैंडलिंग वाला आस्पेक्ट। बाइक जो है एंगेजिंग फील होती है थ्रू आउट राइड के दौरान, तेज़ रफ्तार में, धीमी रफ्तार में, दोनों ही माहौल में बाइक आपका हिस्सा बन के चलती है, तो वहाँ पर राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसकी देखने को मिलती है। एंड तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। हालांकि पल्सर 150 के मुकाबले बहुत ही स्लाइट इंक्रीज़ है परफॉर्मेंस की बात करें या पावर या टॉर्क की बात करें, लेकिन परफॉर्मेंस जो है पहले के मुकाबले बेहतर देखने को मिलता है और टॉर्क डिलीवरी है वो पहले से ज़्यादा बेहतर इनिशियल स्टेज में देखने को ज़रूर मिलती है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ कि
पल्सर 150 के बजाय आपको P150 की तरफ क्यों जाना चाहिए। नंबर वन, इसकी राइड और हैंडलिंग आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है कंपेयर टू पल्सर 150 के मुकाबले, और जो N160 वाला फील आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि कुछ फीचर्स उसके मुकाबले P150 में कम है, बट ओवरऑल राइड और हैंडलिंग के हिसाब से मुझे लगता है ये एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज आपके लिए बन सकता है। एंड प्राइस की बात करूँ तो प्राइस बजाज ने इसके जो दो वेरिएंट है उनका रखा है 116,755 शोरूम, जो इसका SD वेरिएंट है, और जो इसका TD वेरिएंट है उसका प्राइस बजाज ने रखा है 119,757 शोरूम प्राइस बजाज ने इन दोनों वर्जन का रखा है। तो प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि बाइक बहुत ज़्यादा बजट से आपकी बाहर जाती हुई नहीं दिख रही, एंड ओवरऑल एज अ पैकेज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग, बाइक काफ़ी सॉलिड फील हो रही है। एंड इन केस आप 150cc सेगमेंट में कोई एक अच्छा राइड एंड हैंडलिंग वाला टू व्हीलर या स्पोर्टी व्हीकल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर उस एरिया में या आपके उन मापदंडों के हिसाब से मुझे लगता है बजाज की ये पल्सर P150 आपके लिए एक अच्छा पैकेज ज़रूर बन सकती है।